उसके बाद अभी जो भजन हमारे सामने आ रहा है, सिर्फ पवई में नहीं, सिर्फ हरिधाम में नहीं, पूरे विश्व में, दुनिया में जहां भी ये भजन गवाया जाता है तो हरिभक्त सब आनंद से और भक्ति से झूम उठते हैं, क्योंकि भजन भी ऐसा है और प्रस्तुत करने वाले जो संत है वो भी ऐसे ही है। हम सबके सामने जब बापा स्वामी पेश कर रहे हैं, तमें कड़िया बढ़िया छड़िया महाराज। हेलो, सहजानंद स्वामी महाराज की जय। तुम कलिया बनिया छड़िया महाराज, लीलायू या परम पार, तुम कलिया बनिया छड़िया महाराज तारी, लीलायू या परम पार, तुम
मूल का न पथनो रे प्रवासी भूलो पड़ो हरी भक्ति भरी।
सहजानंद स्वामी महाराज की जय। हरिप्रसाद स्वामी महाराज की जय। अद्भुत भजन और अद्भुत रचय में प्रस्तुत करता भगवान की भक्ति दिल में आ जाती है जब भी, तो हमारे दिल की से अंदर से क्या आवाज निकलती है। आज सुबह जब यहाँ मूर्ति की पुनः प्रतिष्ठा विधि हो रही थी, उसके ठीक पहले ही पूज्य दास स्वामी ने 39 साल पहले उन्होंने जो अद्भुत भजन किया था, तैयार किया था काका जी के हीरक महोत्सव के उपलक्ष्य में, उसकी अंतिम कड़ी आजे अही मंदिर छे ये तो प्रभुनु धाम छे, और उसी पंक्तिया के आधार लेकर पूज्य वशीबाई ने आज की इस भजन संध्या का विषय पसंद किया। मंदिर बनाव्यो आप बिराजा करवीशु आराधना। पूज्य भक्ति सौरभ स्वामी ये अद्भुत भजन हमारे सामने पेश कर रहे हैं, आजे अही मंदिर छे। मंदिर छे ये तो प्रभु नु धाम छे, धबके जोगी न प्राण छे। जड़ना रिदानी
આજે અહીં મંદિર છે દાસ સ્વામીને જો ભાવ વ્યક્ત કિયા હૃદય મંદિરે કાયમ બિરાજો એસી કુછ ભાવના વાલા દૂસરા ભજન સમંદર સે જો ગહરી હૈ સમય કે બાદ સમય કે સાથ જો રહેતા અપને સાથ વો તેરા સહારા હૈ વો ભજન હમારે સામને પૂજ્ય પ્રણવભાઈ પ્રસ્તુત કર રહે હૈ પ્રણવભાઈ अभी 15 मिनट पहले ही हॉस्पिटल में से सीधा यहाँ आए। कल अचानक उनकी तबीयत बिगड़ गई और उनको हॉस्पिटल में जाना पड़ा, सलाइन चढ़ाया, दवाई दिया और पेपअप जैसे बोलते हैं ऐसा करके डॉक्टर महेंद्र भाई मर्चेंट और उनके साथियों सभी ने मिलकर उनको ऐसे खड़े कर दिया। आज हमारे सामने भजन प्रस्तुत करने उपस्थित हो गए हैं, तालियों से हम उनको धन्यवाद देते हैं। वो भजन प्रस्तुत करते हैं समंदर से जो गहरी है। हेलो। समंदर से जो गहरी है ये अंबर से सुनहरी है, काका तेरी मूरत है करे हम यार, काका तेरी मूरत है करे हम यार। समंदर से जो गहरी है ये अंबर से सुनहरी है, काका तेरी तेरा सहारा है करे हम यार, तेरा सहारा है ओ मेरे नाम। Look.
जी महाराज ने जय। अद्भुत भजन संध्या हो रही है पूरे गायक वृंद के साथ साथ संगीत वृंद का भी अद्भुत साथ मिल रहा है। हारमोनियम पे स्वयं सेवक स्वामी खुद है, ऑर्गन पे संतों के साथ जो बहुत ही दृढ़ संबंध से जुड़े हैं ऐसे रश्मीन भाई भट्ट, उनके साथ हमारे एवरग्रीन प्रशांत बाला, ऑक्टोपड पे वहाँ पूज्य सार्थक स्वामी और सचिन भाई परब, उसके पीछे हमारे पिंकेश भाई भी साइड रिदम का साथ दे रहे हैं। यहाँ तबले पे पूरे गायक संगीत वृंद के चीफ हमारे भगवत स्वामी और उनके साथ हरिदर्शन स्वामी जी, पीछे रश्मिन भाई के सुपुत्र आदित्य भाई और सौमिल भाई, इन सभी के लिए हम तालियां बजाते हैं, उनके भक्ति का अभिवादन करते हैं। अभी ऐसा ही एक दूसरा गुणातीत ज्योत की बहनों का बहुत ही सुप्रसिद्ध भजन भक्ति ओ तारी जेमा ओ हरी, पूज्य स्वामी स्वरूप स्वामी हमारे समक्ष प्रस्तुत करेंगे। तारी जे मा ओ हरी एज थाय आतंत्र थकी एवो दासत्व दे अनुसंधान रे नवरताय ए चुकी एवो दासत्व दे आतंत्र थकी एवो दासत्व दे अनुसंधान रे नवरताय ए चुकी एवो दासत्व दे Thank you.
दासत्व देने हरी, एवं
गजानंद स्वामी महाराज ने जय। थैंक यू स्वामी स्वरूप स्वामी, क्या आवाज है आपकी, आपकी आवाज सुन के समय रुक गया है, थम गया है समय, क्योंकि हमारे पेरिस से आए हुए दीदी सेवंती बेन और हमारे छगन भाई और टीना बेन, उनको जाना था तो वो भूल गए और यहाँ ही रुक गए हैं, मालूम नहीं अभी कभी जाएंगे। कल मूर्ति साहब आए थे, वो भी यहाँ नज़ारा देख के यहाँ ही रुक गए। तो ऐसा अद्भुत माहौल में ये भजन संध्या हो रही है। अगला भजन मुझे इसीलिए बोलना पड़ा क्योंकि हेमंत भाई मर्चेंट ने खुद लिखा है। हेमंत भाई मर्चेंट हमारे शीघ्र कवि है, पहले तो मैं बोलता था, अभी तो मैं सोचता हूँ और लिखते हैं। ये भजन कुछ ऐसा ही हुआ है। सोचता हूँ तुम खिली बहार हो, रुहाना सा सुहाना सा क्या निखार हो। रुहाना मीन्स देवी, एक उर्दू शब्द में, उर्दू अल्फाज में ये सब लिखा है। हमारे शिकागो के भक्त राज वसंत भाई, उन्होंने कहा कि हमको एक राज ये राग से भजन। याद किया तुमने कहाँ हो तुम, बोलते ये भजन पे तुम लिख दो, तो भजन हेमंत भाई ने लिख दिया। सोचता हूँ तुम खिली बहार हो। बापा स्वामी के अद्भुत राग में हेमंत कुमार को भी भुला देंगे, ऐसे राग में हम बापा स्वामी से सुनते हैं। सोचता हूँ तुम खिली बहार हो। सोचता हूँ तुम खिली बहार हो, रुहाना सा सुहाना क्या निखार हो। देखूं तो नबी का ही दीदार हो, उसी का इस जहां में इस्तहार हो। सोचता हूँ तुम खिली बहार हो, रुहाना सा सुहाना क्या निखार हो। देखूं तो नबी का ही दीदार हो, उसी का इस जहां में इस्तहार हो। सोचता हूँ तुम खिली बहार हो, रुहाना सा सुहाना क्या निखार हो। देखूं तो नबी का ही दीदार हो, उसी का इस जहां में इश्तहार हो। सोचता हूँ तुम खिली बहार हो, ओ
तेरा जो सफर हुआ, ओ जैसे रात में सूरज नजर हुआ, ओ हमें तेरा जो सफर हुआ, सूरज नजर हुआ, कर सको ये मुमकिन कमाल हो, ख्वाबों की हकीकत हो मिसाल हो, देखो तो नबी का ही दीदार हो, उसी का इस जहां में इस्तहार हो, सोचता हूँ तुम खिली बहार हो। ओ, अब नहीं निकल सकोगे दिल से तुम, ओ आए और बसे सभी के दिल में तुम, ओ अब नहीं निकल सकोगे दिल से तुम, यादों में जीने का ऐतबार हो, रब की लगन उसी प्यार हो, देखूं तो नबी का ही दीदार हो, उसी का इस जहां में इस्तहार हो, सोचता हूं तुम खिली बहार हो, रुहाना सा सुहाना क्या निकार हो, देखूं तो नबी का ही दीदार हो, उसी का इस जहां में इस्तहार हो, सोचता हूं तुम खिली बहार हो, रुहाना सा सुहाना क्या निकार हो, देखूं तो नबी का ही दीदार हो, उसी का इस जहां काकाजी महाराज की जय। हिंदी भजन और उसमें भी ज्यादातर उर्दू शब्द, और पापा स्वामी तो पहली दफे गा रहे थे, लेकिन बहुत ही अच्छी तरह से उन्होंने हमारे सामने ये भजन पेश किया, बहुत बहुत धन्यवाद। पापा स्वामी सिर्फ गायक ही नहीं है, वो रचयिता भी है, और बहुत कैसे रचयिता है वो अभी हमें मालूम पड़ेगा। तेरे दर को छोड़ के अद्भुत कवाली काका जी के ऊपर उन्होंने लिखी है, वो अभी हम उनको प्रार्थना करते हैं हमारे सामने पेश करेंगे। तेरे दर को छोड़ के, हेलो हेलो हेलो, क्या लिखूं क्या ना लिखूं, कुछ समझ नहीं पाता,
क्या लिखूं क्या ना लिखूं, कुछ समझ नहीं पाता। जब से देखा है तुझको ऐसा नम, दूसरा नजर नहीं आता। जब से देखा है तुझको ऐसा नम, दूसरा नजर नहीं आता। जब से देखा है तुझको ऐसा नम, दूसरा नजर नहीं आता। कि हर रंग में जलवा है तेरा, हर रूप में तू ही तू है। हर रंग में जलवा है तेरा, हर रूप में तू ही तू है। क्या बयान करूं तेरी मौजूदगी का, कि हर जर्रे जर्रे में तू ही तू है। क्या बयान करूं तेरी मौजूदगी का, कि हर जर्रे जर्रे में तू ही तू। तेरे दर को छोड़ के किस दर पे जाऊं काका, तेरे दर को छोड़ के किस दर पे जाऊं काका। तेरे सिवा कोई नजर नहीं आता, तेरे दर को छोड़ के किस दर पे जाऊं काका। तेरे सिवा कोई नजर नहीं आता, तेरे दर को छोड़ के किस दर पे जाऊं काका। तेरे सिवा सारा तेरे जैसी प्रीत नहीं, तेरे जैसा सबल सहारा, तेरे जैसा मित नहीं। देख लिया जग सारा तेरे जैसी प्रीत नहीं, तेरे जैसा सबल सहारा, तेरे जैसा मित नहीं।
शब्दों में तेरी महिमा में गाऊं काका, इन शब्दों में तेरी महिमा में गाऊं काका, तेरे दर को छोड़ के इस दर पे जाऊं काका, तेरे सिवा कोई नजर नहीं आ, पथ पे आप चलूं मैं, मुझ में इतना ज्ञान नहीं, मति मंद नैन को अंधा और कछु जानू नहीं, अपने पथ पे आप चलूं मैं, मुझ में इतना ज्ञान नहीं, मति मंद नैन को अंधा और कछु जानू नहीं, हाथ पकड़ ले चलो होकर न काऊं काका, हाथ पकड़ ले चलो होकर न काऊं काका, तेरे दर को छोड़ के किस दर पे जाऊं काका, तेरे सिवा कोई नजर नहीं आता, तेरे दर को छोड़ के किस दर पे जाऊं काका, तेरे सिवा कोई नजर नहीं आता। तेरे दर पे जो भी आता खाली कभी ना जाता, रोता हुआ जो आता हंसता हुआ वो जाता, तेरे दर पे जो भी आता खाली कभी ना जाता, रोता हुआ जो आता हंसता हुआ वो जाता, तू ही मेरी मंजिल तू ही मेरा सब कुछ, तू ही मेरी मंजिल तू ही मेरा सब कुछ काका, तेरे दर को छोड़ के किस दर पे जाऊं काका, तेरे सिवा कोई नजर नहीं आ, दर पे जाऊं काका, तेरे सिवा कोई नजर नहीं आता, तेरे सिवा कोई नजर नहीं आता, तेरे सिवा कोई नजर नहीं आता, तेरे दर को छोड़ के किस दर पे जाऊं काका, तेरे सिवा सहजानंद स्वामी महाराज की जय।
ગજાન સ્વામી મહારાજની જય. આ માહોલ ને માણ્યા પછી મારું એક નમ્ર સૂચન છે આ બધા વડીલોને કે કાકાજી પપ્પાજી બંધુ બેલડી શતાબ્દીના જે કંઈ સોપાન હવે કરીએ એમાં કથા વાર્તા ને આ ને તો બધું થવાનું જ છે ને થવું જ જોઈએ. પણ સ્વામીજી અક્ષરાય સાંઈજી સાહેબ ગુરુજી નિર્મળ સ્વામી દિનકરભાઈ એ બધાની ઉપસ્થિતિમાં એક સેશન દાખલા તરીકે દિલ્હીમાં છે પ્રોગ્રામ 3 દિવસનો કે ફાઇનલ સોપાન સાંકરદા કે જ્યાં બી હોય ત્યાં એક સેશન કીર્તન આરાધનાનું આવી રીતે રાખવામાં આવે એવું મારું નમ્ર સૂચન છે. કારણ કે આમાં કાકાજી પપ્પાજી અને સ્વામીજીને અક્ષરાયજીને સાહેબ એમને જે કરાવવું છે એ થઈ રહ્યું છે. આ બધા જે સંતો બેઠા છે એમાં કોઈને કાકાજીની પ્રતિભાનો એવો કોઈ ખ્યાલ નથી સિવાય કે સ્વામીશ્રીએ વર્ણન કર્યું હોય. અને છતાં આટલી બધી ખાનદાનીથી આટલા બધા ભક્તિભાવથી જાણે વર્ષો સુધી કાકાજીનું સેવન કર્યું છે એ ઉગાડ્યું છે એ સ્વામીજીએ ઉગાડ્યું છે અને કોઠારી સ્વામી જેવા વડીલ સંતોના હેતને લઈને ઉગ્યું છે એવું મારું માનવું છે. તો અતિશય રાજી થાય એવું અત્યારે આ સેશન ચાલી રહ્યું છે. તો એવું એક મારું નમ્ર સૂચન છે કે કથા વાર્તાને એની જગ્યાએ એ તો કરવાનું જ છે પણ એક સેશન આવી રીતે બંધુ બેલડી મહોત્સવના એક સેશન આવું થાય તો સારું. સજાન સ્વામી મહારાજ કી જય. હમ લોગ આપ મે સે જો હોકી યાર ફૂટબોલ કે મેચ દેખતે હોગે બરાબર ઠીક તરહ સે દેખતે હોગે એસા હી દેખતે નહીં ઠીક તરહ સે દેખતે હોગે ઉનકો પતા હોતા હૈ કે વહાં બીચ મે દૂસરે પ્લેયર કો અગલે પહેલે સે જો ખેલતા હૈ ઉસકો રેસ્ટ દેને કે લિયે એસી કાબિલિયત વાલા દૂસરા ભી પ્લેયર તૈયાર હોતા હૈ. આજ હમારે બીચ પહેલા પ્રશાંતભાઈ બાલાને બહુ અચ્છી તરહ સે ઓર્ગન કી સેવા દી ઓર ઉની કા સ્થાન લેકે અભી દિવાડકર સાહેબ અજયભાઈ દિવાડકર સાહેબ વો હમારે બીચ ઓર્ગન બજાને કી સેવા દે રહે. દિવાડકર સાહેબ બહુ સમય સે યહાં પવઈ મંદિર મે હર 7 તારીખ કો આકર અપની સેવા દેતી હૈ ઓર હમારે સચિનભાઈ પરબ ઉનકો બહુ બહુ ધન્યવાદ હૈ વો સભી એસે એસે ભક્તો કો લેકર આતે હૈ વો યહાં કાકાજી કે ચરણો મે અપની સેવા પેશ કરતે હૈ. હરિધામ કે સંતો સ્વામીજી કે પાસ જો સભી તૈયાર હુએ હૈ ઓર સ્વામીજી કા દાસત્વ કા જો સંદેશ હૈ વો સિર્ફ ઉન્હોને આત્મસાત કિયા ઇતના હી નહીં હૈ વો હમારે બીચ પેશ ભી કર રહે હૈ ઓર મુજે વશીભાઈ કી ખાસ ઈચ્છા થી કે દાસત્વ કા જો બહુત હી સુંદર ભજન દાસત્વ પ્રગટાવ જો પૂજ્ય ભક્તિ સૌરભ સ્વામીને લિખા હૈ ઉનકે રચેતી બા ભી હો હૈ ઓર પ્રસ્તુત ભી વો ખુદ કરેંગે દાસત્વ પ્રગટાવ જો સ્વામી અમારા અંતરમાં. દાસત્વ પ્રગટાવ જો સ્વામી સબંધ
से भजन संध्या सुनी होगी तो आपको एक ख्याल आया होगा कि यहाँ गायक वृंद में